हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7। फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 6 में हमने जो पढ़ा था, हमारे पास सब कोई टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो उसका मैक्सिमा या मिनिमा किस तरह से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला किस तरह से जनरेट करते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। इसमें हम उस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल के दिखाएंगे कि इस तरह से मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है, लोकेट द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ, ये कंडीशन है, इसके स्टेशनरी पॉइंट है जिन जिन पॉइंट्स पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है वो सारे पॉइंट्स, एंड डिटरमाइन देयर नेचर। उसके बाद हम उनका नेचर यानी कि वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है उनका नेचर चेक करना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको fxy सॉल्यूशन fxy = x to the power 4 plus y to the power 4 minus 2x square minus 4xy minus 2y square, यानी इसको फंक्शन ऑफ fxy लिख लिया। इसके बाद हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y। डेल f अपॉन डेल x इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा हमारे पास 4x³y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा इसमें, तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4x, इसमें y एज अ कांस्टेंट रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस 4y, ये हो गया और ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास डेल f अपॉन डेल x, एंड डेल f अपॉन डेल y अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहां से ये जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y³, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये जीरो हो जाएगा, फिर इसको करेंगे तो माइनस 4x, ऐसा करेंगे तो माइनस 4y, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, 4x³ - 4x - 4y एंड 4y³ - 4x - 4y। अब हमें निकालना है कि इनसे कौन कौन से कंडीशन पॉइंट्स है इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, यानी इन दोनों को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो इन दोनों को इक्वल टू जब हम जीरो पुट करते हैं फिर, तो यहां से हमारे पास आता है 4x³, अगर 4 कॉमन ले लें इसमें से, तो 4 कॉमन लेने पे हमारे पास ये 4 सब कट जाएंगे, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, एंड x³ - x - y, इस तरह 4 कॉमन लेंगे, इसको पहले क्लियर कर देता हूँ आपको किस तरह से मैंने इसको 4 को काटा है इसमें से, तो इसको काटने के लिए सिंपली 4 कॉमन लेंगे, 4x³ - x - y = 0। अब फ्रेंड्स, 4 जीरो नहीं है तो हमारे पास उस कंडीशन 4 जीरो नहीं है, तो ये जो टर्म है ये जीरो होनी चाहिए, तो यहां से हमने लिखा है डायरेक्टली कि x³ - x - y = 0, तो ये हो गया हमारे पास 4x³ - x - y = 0, या यहां से हम लिख सकते हैं y = x³ - x, यहां से y को अगर लेंगे तो y = x³ - x हो गया। अब फ्रेंड्स, डेल f अपॉन डेल y में अगर इसमें हम इस इक्वेशन में y की जगह x³ - x पुट कर देते हैं, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसी तरह सिंप्लीफाई के 4 को कॉमन लेके तो ये हो जाएगा हमारे पास y तो चला जाएगा 0, अब y की जगह x³ - x पुट करना है, तो हो जाएगा x³ - x³ - x - x³, जो ये पुट कर रहे हैं y की जगह, तो x³ + x, ये x हो जाएगा, तो इससे x से ये x कट गया फ्रेंड्स हमारे पास, तो अब हमारे पास क्या रह गया, x³ - x³ - x³। अगर इसमें से हम x कॉमन ले लें इस टर्म में से, तो x³ बाहर आएगा, ये हो जाएगा x² - 1³ और -x³, तो यहां से हमने क्या किया, x³ कॉमन ले लिया पूरे में से, इस पूरे टर्म में से, तो ये हो गया हमारे पास x² - 1³ - 1, ये हो गया। एक तो टर्म हमारे पास आ गई कि x³ या तो हो सकता है
एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो इंप्लाई एक्स इक्वल टू जीरो, या हो सकता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये हो सकता है। तो उस कंडीशन में अब यहां से क्या कर रहे हैं, यहां पे फ्रेंड्स अगर ये कंडीशन है तो यहां से एक्स क्यूब माइनस एक्स सॉरी एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स क्यूब माइनस वन सॉरी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इसका क्यूब है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्यूब इक्वल टू वन, यानी अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्यूब इक्वल टू वन, ये किस कंडीशन में हो सकता है इक्वल टू वन, यानी किसी नंबर का क्यूब जो है वो वन के इक्वल है, तो जो वन का अगर किसी नंबर का क्यूब जो होता है वो वन के इक्वल होता है, तो दोनों तरफ वन अपॉन थ्री पावर वन अपॉन थ्री कर देते हैं, तो ये एक्स क्यूब माइनस वन सॉरी एक्स स्क्वायर की पावर, ये क्यूब तो है ही और इसकी पावर वन अपॉन थ्री इक्वल टू वन टू द पावर वन बाई थ्री, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू वन, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास इसे कुछ पॉइंट्स आ गए, तो इसे जो पॉइंट्स आए हमारे पास क्या है, एक तो एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट टू, बट ये हमारे पास सिर्फ x की वैल्यूज आई हैं, तो y की वैल्यूज के लिए हमें यहाँ पे पुट करनी होगी, अगर x इक्वल टू जीरो पुट करते हैं तो y इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू जीरो, तो एक पॉइंट तो ये हो गया। अगर x इक्वल टू हम रूट टू पुट करते हैं तो रूट टू का क्यूब सॉरी रूट, तो यहाँ से रूट टू का क्यूब माइनस रूट टू, या रूट टू कॉमन ले लें, टू का क्यूब माइनस वन सॉरी टू स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो गया थ्री रूट टू, तो एक आएगा हमारे पास अगर एक्स बराबर रूट टू है तो ये थ्री रूट टू, सेकेंड पॉइंट ये हो गया। अगर हमारे पास एक्स की जगह माइनस रूट टू लें तो माइनस रूट टू केस में, ये माइनस रूट टू केस में अगर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस रूट टू का क्यूब माइनस रूट टू का क्यूब एंड माइनस माइनस रूट टू, तो ये हो गया हमारे पास माइनस रूट टू का क्यूब, इसको डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं माइनस रूट टू का क्यूब प्लस रूट टू, तो रूट टू कॉमन ले लिया, ये हो गया माइनस फोर प्लस वन, तो ये हो गया माइनस थ्री रूट टू, तो इसका जो अगला पॉइंट आया वो माइनस थ्री रूट टू आया, यानी अगला पॉइंट को यहाँ लिख सकते हैं टू एंड माइनस थ्री सॉरी रूट टू एंड माइनस थ्री रूट टू, तो इस तरह से ये तीन पॉइंट आ गए, ये तीन पॉइंट है हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट इसके। तो फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है हमारे पास, अब जो ये पॉइंट निकाले हमने, ये पॉइंट है इसके स्टेशनरी पॉइंट, अब ये स्टेशनरी पॉइंट आ चुके हैं, तो इसके बाद अब हम निकालेंगे कि इनपे इनका बिहेवियर कैसा है, यानी मैक्सिमम या मिनिमम किस तरह का इनका बिहेवियर करता है होता है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, इनके सेकंड डेरिवेटिव निकालने होंगे इन डेल एफ अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई के। तो फ्रेंड्स पहले इसका डेल एफ अपॉन डेल एक्स का सेकंड डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू एफ, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा से डिफरेंशिएशन किया तो ये हो जाएगा ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसका किया तो हमारे पास ये हो जाएगा ट्वेल्व वाई स्क्वायर माइनस ये हो गया फोर, यहां से और अगर अब निकालना है साथ ही डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकाला तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स का वाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास डायरेक्टली ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा ओनली यहां से माइनस फोर, तो इस तरह से हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर।
फ्रेंड्स हमारे पास ये आ गया था। अब हम देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर इसकी वैल्यू चेक करते हैं। ये ग्रेटर देन जीरो हो तो उस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो तो वहां पे हमें और टेस्ट करने की जरूरत होती है, फर्दर मोर टेस्ट। और अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो हो तो उस कंडीशन में कहेंगे यहाँ पे ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है। तो यहाँ पे पहले आर टी और एस स्क्वायर क्या होता है, आर जो होता है ये टर्म होती है, टी जो होती है ये टर्म होती है, और एस जो होती है ये टर्म होती है। अब हमें चेक करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर इसमें से फोर कॉमन ले लें हम तो ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इस तरह यहाँ पे कॉमन ले लें फोर तो थ्री वाई स्क्वायर माइनस वन। अब आर टी इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस एस यानी इसका स्क्वायर, तो ये हो गया हमारे पास आर टी माइनस एस स्क्वायर बराबर सिक्सटीन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन थ्री वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस फोर का स्क्वायर, तो ये 16 हो गया। अब फ्रेंड्स x बराबर पहले हम चेक कर रहे हैं एट जीरो जीरो पर, तो एट जीरो जीरो पर चेक करते हैं एट जीरो जीरो, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की जगह जीरो पुट किया वाई की जगह जीरो पुट किया तो ये हो गया हमारे पास 16 माइनस वन माइनस वन माइनस 16, तो ये हो गया हमारे पास ये प्लस वन हो जाएगा, ये 16 माइनस 16 जीरो, यानी हमारे पास यहां से भी नहीं कह सकते हम कि यहाँ पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो इसके लिए हमें और चेक करने की जरूरत होगी। तो और चेक करने के लिए हम क्या करते हैं टेलर सीरीज की हेल्प लेते हैं। टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, अगर एफ एक्स प्लस एच एंड एक्स माइनस एच इज लेस देन एफ एक्स वाई, ये कंडीशन हो तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जहां पे एच जो है फ्रेंड्स एच जो है सॉरी ये बाई माइनस के बाई प्लस के, जहां पे जो एच और के जो होते हैं वो छोटे नंबर्स होते हैं, हो सकता है एच 0.001 हो या 0.00001 हो, इस तरह से एच और के काफी छोटे नंबर्स होते हैं। तो इससे अब हमें ये चेक करने हैं कि इन पे क्या इसका बिहेव होगा, तो 0.0 पर अगर हम देखें तो फ्रेंड्स 0.0 पर अगर देखें तो कंडीशन सेटिस्फाई है, यानी एफ एक्स वाई जीरो हो जाएगा, यानी ये अगर हम करें तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच एंड एच के माइन लेस एच के, और ये हो गया हमारे पास हम इसमें माइनस का साइन लगा के और इसके साइन को चेक करेंगे। फ्रेंड्स इसका साइन क्या है, साइन चेक करना है ठीक है, तो एफ एच के 0.0 पुट किया माइनस एफ 0.0, तो यहाँ पे एफ 0.0.0 हो जाएगा, तो यानी एफ एच के ओनली बचा क्या है इसका एफ एच के, तो एफ 0.0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब हमारे पास बचा एफ एच के, जो एफ एच के का साइन होगा वही इस पूरे टर्म का साइन होगा, तो एफ एच के का साइन हम चेक करते हैं। पहले फर्स्ट वेन एच इक्वल टू के, तो एच इक्वल टू के केस में फ्रेंड्स पहले हम कर रहे हैं ये जो हाई पावर जैसे एक्स पावर फोर यानी एच की पावर फोर, अगर एच की पावर फोर करें 0.001 की पावर अगर हम फोर करें तो ये आएगा 0.00000001 इस तरह से आएगा कुछ, तो ये तो काफी छोटा हो गया तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर फोर काफी छोटा हो गया तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह वाई के लिए भी अगर हम 0.001 पे करेंगे तो उसके लिए भी काफी छोटा आएगा, उसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सोचा ये टर्म है तो इन टर्मों में अगर देखते हैं तो माइनस टू एच स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फोर, तो एक्स बाई एच के का फंक्शन है तो एच एंड के की जगह भी एच पुट करते हैं क्योंकि एच बराबर के पर चेक करें ये स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर, यानी ये जो पूरी टर्म है हमारे पास ये आई हमारे पास सॉरी टू है यहाँ पे माइनस एट एच स्क्वायर। अब एच जीरो जीरो से कुछ बड़ा है पॉजिटिव नंबर है तो ये नंबर है हमेशा लेस देन जीरो, तो ये नंबर हमेशा लेस देन जीरो आ गया, ये जब तक जब एच बराबर के था, अगर एच नॉट इक्वल टू के हो तो
एस नॉट इक्वल टू के हो तो उस कंडीशन फ्रेंड्स पहले तो हमें ये नेगलेक्ट कर देंगे कि ये क्यों काफी बड़े हो जाएंगे, इसलिए हमको इस तरह से नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि काफी छोटे हो जाएंगे जब इनका पावर फोर करेंगे तो काफी छोटे हो जाएंगे, इसको इसके लिए इनको तो हम नेगलेक्ट कर देते हैं। बट इनको हम देखते हैं तो ये माइनस टू एच स्क्वायर माइनस फोर एच के माइनस टू के स्क्वायर। अब फिर एच एच जो है वो पॉजिटिव नंबर है, एच स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, एच जो है पॉजिटिव नंबर है, के जो है पॉजिटिव नंबर है, के स्क्वायर भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इस टर्म में पूरी टर्म जो है नेगेटिव आएगी क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, तो ये भी लेस देन जीरो है। यानी हमारे पास हो गया एफ एक्स प्लस एच और वाई प्लस के माइनस एफ एक्स वाई लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब है कि ये हमारे पास इस साइन में है, हमारे पास एफ एच प्लस के एफ वाई प्लस के इज लेस देन एफ एक्स वाई। तो यहां से हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट है एफ जेन जीरो जीरो पे जो पॉइंट था वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था। अगर फ्रेंड्स ग्रेटर देन जीरो होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। अब हमारे पास दो पॉइंट और बचते हैं, दो पॉइंट जो थे हमारे पास वो थे रूट टू थ्री रूट टू एंड माइनस रूट टू माइनस थ्री रूट टू। इनपे और चेक करना है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पहले इनपे चेक करने के लिए पहले आर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू चेक करनी होगी। तो आर टी माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू इस पे चेक करते हैं रूट टू थ्री रूट टू पे। तो यहां से हम इसको यहां पे पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू 16 रूट टू, रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 इंटू थ्री 12 माइनस 1, और इसे 3 रूट टू का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू फिर से 6 आएगा क्योंकि रूट टू का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 आ जाएगा स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। और 3 रूट टू का करेंगे तो 9 इंटू 2 माइनस 1 तो 18 माइनस 1 ये 17 माइनस 1 आ गया, ये आ गया हमारे पास माइनस 16। तो फ्रेंड्स अगर इसको हम देखें तो 16 का कॉमन ले लें कोई फर्क नहीं पड़ता, 16 कॉमन लेने के बाद 5 इंटू 16 माइनस 1 ये एक ग्रेटर देन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली अगर हम इसके लिए भी देखेंगे तो वहां पे भी क्योंकि माइनस रूट थ्री यहाँ पे स्क्वायर का साइन है, यहाँ पे भी स्क्वायर साइन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये नंबर जो टर्म आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी, यही टर्म आ जाएगी। तो उस कंडीशन में कहेंगे कि ये इस टर्म पर भी ग्रेटर देन जीरो होगा और मैक्स पॉइंट ऑफ मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। तो हम देखते हैं कहां पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कहां पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो उसके लिए क्या चेक करना होगा हमें, क्योंकि ये तो एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हम चेक करना होगा आर की, जो आर है हमारे पास ये आर इसका साइन क्या है। अब चूंकि आर बराबर है हमारे पास 12 इसको यहां पर लिख देते हैं 4 थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये हमारे पास आर है। अब इस आर का साइन क्या होगा, रूट टू पे चेक करें और यहां पे भी है रूट टू है फ्रेंड्स, रूट टू पे चेक करें तो ये रूट टू पे चेक करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 3 इंटू 2 माइनस 1 यानी कि ये हमारे पास आ गया 4 इंटू 5 20। इसी तरह अगर इस पे भी चेक करेंगे तो उस पे भी 20 आएगा। अब फिर आर ग्रेटर देन जीरो की कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, आर अगर ग्रेटर देन जीरो है, आर ग्रेटर देन जीरो उस केस में हमारे पास पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। तो इस यहां पे हमारे पास जो वैल्यू इनके जो वो निकले तो हम कह सकते हैं कि यहां पे ये जो दो पॉइंट थे इनका बिहेवियर, ये दो पॉइंट थे ये पॉइंट ऑफ मिनिमा थे और जो जीरो जीरो पॉइंट निकला था वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा थे। मैं फिर ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीमम मैक्सिमम या सबसे बड़ा मिनिमम है सबसे छोटा मैक्सिमम है, सबसे बड़ा मैक्सिमम है या सबसे छोटा मिनिमम है, ये नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं